भाई ब्लैकआउट हुआ बंदा पड़ा हुआ यहाँ पे ना। वाकई जी आई हुआ। अल्लाह हाफिज। आप यहाँ पे ये तो बंद करो। संडे की सुबह 4:30 बज रहे हैं, अभी तो सही से आंखें भी नहीं खुली। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, इज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मंडे है, कल मैं संडे को एक हाइक पे गया था। आज शुक्र है सारी थकन नींद सब कुछ पूरा हो चुका है। सर हुजैफा ने आज अपनी मंडे की क्लासेस भी पूरी ले ली हैं। इट वाज अ रियली नाइस डे, बहुत अच्छा मौसम था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सुबह उठने के बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि दो प्लान्स के बीच में से फैसला करना था। एक 6:30 बजे बाइक राइड, दूसरा 5 बजे हाइकिंग। लेकिन चूंकि हाइकिंग का प्लान मैंने ही पिच किया था और मैं 3 और लड़कों को तैयार भी कर चुका हूँ, इसलिए राइड को सैक्रिफाइस करूँगा। आज बहुत अरसे बाद राइड है यार, लॉकडाउन के बीच में कोई राइड्स नहीं हुई, लेकिन फिर भी घर से मैं कोई 5:15 बजे निकला। सबसे पहले मैंने सलमान को G11 से पिक करना है, फिर उजैर को लेना है मार्गला रोड से सीधा F6 और F6 में Trail 3 पे। सॉरी, तो भाई सलमान के बाद उजैर भी आ गया और अब हमजा का इंतजार है। हमजा और उसका छोटा पीस उसामा दोनों आ रहे हैं। चला किस उल्लू के पट्टे जिसकी गाड़ी में बैठ रहे हो उसका बैग है, उतना कैमरा गिरा दिया उसने। सुबह 6 बजे हैं, 6 बजे F6 में शेल के पेट्रोल पंप पे पहुँचे और यहाँ से भी सीधा Trail 3 की तरफ जाएंगे। मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला हुआ है, लेकिन उम्मीद तो ये है कि अभी फौरन बारिश नहीं स्टार्ट होगी। बॉयज़ इसको पिक किया, कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स लिए, Trail 3 की पार्किंग में पहुँचे। पार्किंग मुकम्मल भरी हुई थी। मैंने अपना कैमरा उजैर को पकड़ाया। ध्यान ना लो मामा, फाइनली Trail 3 पे आ गए। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, लेट्स गो फॉर हाइक। Trail 3 में एक सिंपल ट्रेल है और एक फायर ट्रेल है। सलमान पहली दफ़ा हाइक पे आया है और हम सब ने ये सजेस्ट किया है कि हम नॉर्मल ट्रेल के बजाय फायर ट्रेल से जाएंगे। सलमान की थोड़ी सी हालत टाइट है, लेकिन तैयार है इंशाल्लाह। ये जहाँ उजैर जा रहे हैं और ये जहाँ से सलमान आ रहा है। चले यार, बहुत देर बहुत देर हो गई। दिस इज द व्यू पॉइंट। ये Trail 3 के बीच में फायर ट्रेल, द स्टीप क्लाइंब, उसके बीच में एक व्यू पॉइंट आता है। यू कैन लुक एट द स्ट्रेट ट्रेल अप ऑल द वे टू द टॉप। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे सलमान साहब इज ऑलमोस्ट डन। 27वें या 28वें रोजे वाले दिन हमजा सुबहानी साहब सीढ़ियों से चढ़ते हुए ठोकर खा के अपना पाँव इंजर करा बैठे और आज दैट इंजरी इज टेकिंग अ टोल ऑन हिम। और वो अभी हमसे कोई 100 मीटर नीचे बेचारे कश्मकश में मुबतला हैं कि हाइकिंग कंटिन्यू रखी जाए या वहीं से वापस हो जाए। इट हैड लिटरली बिन 25 मिनट्स जब बॉयज़ की चुस्ती में बहुत शदीद खलल आ गया और एक अजीम चट्टान जैसी दीवार के अंदर दराड़ें पड़ गई हैं। सलमान और हमजा गिव अप कर चुके हैं। मैं और उजैर हाइकिंग का मकसद पूरा करना चाह रहे हैं, कम अज़ कम नाम की हाइकिंग तो पूरी की जाए। मैं GoPro पे फुल करता हूँ रिकॉर्ड, फिर उसको टाइम लैप्स करता हूँ। कर लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेजी है, हाँ कर सकते हैं लेकिन हाँ वाले को अगर लेकिन कितने उस पर सेट करना पड़ेगा। 24 मिनट लगा के रख देंगे वीडियो में। मुझे पता ऐसे लग रहा है हम किसी और हाइकिंग ट्रेल पे आ गए, क्योंकि उस दिन जब हम यहाँ आए थे तो इतनी गर्मी और इतनी धूप थी। आज तो बहुत अच्छा मौसम, इतना मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है जिसम पे, हल्की हल्की ज़रा भी गर्मी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अभी इसमें सूरज भी बहुत ऊपर आ जाएगा। क्या लेट बनेगी पानी की, वाकई नज़र नहीं आएगी या तो नहीं, वहाँ से भी नहीं नज़र आना। इन द लविंग मेमोरी ऑफ हमजा एंड सलमान, एक मेमोरियल सर्विस है। मैं और उजैर वो अचीव कर चुके हैं जो दो फारग लोग नहीं अचीव कर सके। वी आर प्राउड टू डू इट।
सो फार सो गुड. मैं और उसे थोड़ा सा ऊपर आए थे बॉयज से अलग, एक आसमान का टाइम लैप्स कवर करने के लिए. अच्छी जगह मिली, अपॉर्चुनिटी लग रही थी. थोड़ा सा कैमरा वगैरह सेटअप करके जब वीडियो शूट करना शुरू की तो पीछे से फ़ोन आया कि जी मैन डाउन. कौन मैन डाउन? हमजा साहब भी खुश हो रहे हैं. अब मेडे कॉल थी इसलिए इंटेंसिटी को समझते हुए भागते हुए नीचे पहुंचे. ये लड़का मुझे कहता है, मैं भाई जी हैरान. मैंने कहा ये कौन लड़का था? आप हुज़ैफ़ा है? मैंने कहा हाँ जी, मैं सुवानी के पास जा रहा हूँ. वो ठीक है, इसको कैसे पता हम किधर जा रही है? अपनी वाइफ के साथ वो रुक गया काफी देर, बातें बातें करके सेट करके फिर गया. हमने मेडे की कॉल दी, मेडे कॉल दिया, ऊपर से आया हमने फौरन क्रैश लैंडिंग की है. एक हमने गड़बड़ किया. क्या? मेडे नहीं, जून डे का बोलना चाहिए. ओ हाँ, वही. वापस वापस चले, वापस चले, उधर चले, वापस चले. हम लोग गए शरान, हम चार लोग, मैं, उज़ैर, रिजवान और समी. अब कहानियां सुन लो, अभी इससे पहले पड़े हुए थे. नहीं नहीं सुने तो. हम चॉकलेट दे रहे हैं. निमको दे रहा है, ये कलमा पढ़ रहा है. निमको देखे गया है, लाहौरी निमको जबरदस्त. अर्तुगरल निमको आ चुकी है, लाहौरी बहुत पीछे रह गई है. ये उज़ैर ने हमें लाहौरी निमको से नवाजा है, और कोशिश करें लाहौरी निमको आप जो है वो घर पहुंच के खाएं, वरना आपको रास्ता भूल जाएगा. रास्ते के बीच लाहौरी निमको की एडवर्टाइजमेंट चल. अल्लाह ने हमारे नन्हे मुन्ने को बचा लिया, और इनको बीपी लो का बहुत सीरियस इशू आ गया था. बीपी लो था या बीपी हाई था, जाके हम मेडिकल रिपोर्ट्स में चेक करवाएंगे. मसला ये कि मेडिकल रिपोर्ट्स ये इसलिए नहीं निकलवा सकते क्योंकि और बहुत कुछ निकल आएगा साथ, और सारी पुराने राज निकल आएंगे जो इन्होंने बहुत मेहनत से छुपाए हैं. देखें भाई, मैंने सारा नाटक किया था ताकि मैं ना लाहौरी चने खा सकूं. लाहौरी चने, लाहौरी निमको खा सकूं. हाइक की तो हो गई भाई, सब कुछ चौपट हो गया. मैं सब रिवर्स गियर. तो अभी सलमान भैया मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर झाड़ियों में वो कांटों वाला चूहा तो नहीं होता जो कभी कभार निकल आता है, जो अपने कांटे मारता है. मारता नहीं है ये, वही वाला यार. तुमने एडिशन किया, बिदत किया तुमने. कांटे वाला चूहा तो नहीं. तस्वीरबाजी चल रही है पीछे, सेम वही जगह. क्या यार लेट करा रहे हो? चलो भाई, गिन के 14 कदम चलें और ये अगली जगह से तस्वीरें खींचना शुरू हो गए. फोटोग्राफर्स के साथ हाइकिंग पे आना सबसे बड़ा ब्लंडर है जिंदगी का मेरी. अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह. सबसे आगे 10 मिनट इंतजार करने के बाद ये बेहूदे दोनों मजे से टहलते हुए आ रहे हैं. मुस्कुराहटें ऐसी हैं जैसे बड़े मतलब बड़े अच्छे काम करके आ रहे हैं. पत्थर बैग में रख लो, खराब हो जाएगा. गिर गया तो टूट गया तो फिर नुकसान कौन भरेगा? आप भरेंगे. और कैसे आपने कहा समझा, घर में पानी भरता है वो तो यहाँ पे आपका नुकसान भी भर देगा. जिसके हाथ से जो चीज टूट के गिरी हमारी, वो हमारी छोड़ दी. देखें भाई, हमारी इंश्योरेंस जो है ना वो तब तक चलेगी जब तक भुट्टो जिंदा रहेगा. तीन बॉयज को पीछे एक बहुत पिक्चरेस्क स्पॉट मिल गया है, और वहाँ वो तस्वीरें खींच रहे हैं. मैं और उज़ैरी नीचे की तरफ जा रहे हैं. उज़ैरी को बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे क्रॉस करके कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है. पार्किंग में एक बहुत ज़बरदस्त टोयोटा FJ क्रूजर नज़र आई. हमारे लिए FJ क्रूजर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. सऊदी वगैरह में ये पुलिस वालों की गाड़ियाँ होती हैं. सऊदी में करीम बुलाई थी एक दफ़ा, 2012 मॉडल की शायद फॉर्च्यूनर आई थी. यहाँ फॉर्च्यूनर वाला एक अलग ही लेवल का है. अभी हम बैठे हुए नाश्ते का इंतजार कर रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई. गाड़ी हो गई खराब, गाड़ी स्टार्ट नहीं है. गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है. अब हमजा को भेजा है एक वर्कशॉप पे. हमजा वहाँ से किसी मैकेनिक को बुला के लेके आ रहे हैं. मैकेनिक आए थे जिनका क्या नाम है, टर्बो भाई. हाँ टर्बो भाई, टर्बो भाई तशरीफ लाए थे. उन्होंने कहा आप बैटरी शटरी चेंज करा लें, आपकी बैटरी फारिग हुई हुई है. हो गए एक जंप स्टार्टिंग के लिए, एक और बैटरी लेने के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं. उस वक्त तक 500 रुपये मांगे जंप स्टार्ट करने के उन्होंने. टर्बो भाई ने गाड़ी तो स्टार्ट कर दी है, किसी और की बैटरी निकाल के, किसी डाले के अंदर से बैटरी निकाल के लाए थे. ट्रक के अंदर से, ट्रक के अंदर से बैटरी निकाल के लाए थे. और उसके बाद तार के तौर पे क्या चीज इस्तेमाल की है? हाँ जी, पाने इस्तेमाल किए हैं. नट खोलने वाले पाने लगा के उन्होंने हमारी गाड़ी स्टार्ट करके दे दी है. और बकौल टर्बो भाई के, आपकी गाड़ी की बैटरी फारिग है, इसको जल्द अज जल्द चेंज करा लें. टर्बो भाई माइंड करते हैं कैमरे पे आना? हाँ, उन्होंने हमजा को बड़ा इतराज किया कि आपने ये क्यों कैमरा क्यों ऑन किया है सामने मेरे चेहरे की तरफ. जा रहे हो हमजा? लग गया यार.
बैटरी डेड होने की वजह से इसको का मसला हो गया, ये नहीं चल रहा। खैर, दे से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो सारी बच्चा पार्टी को उतारा है, नींद से सबका बुरा हाल हो रहा था, मैं भी नींद से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। घर जाके आराम करने के बाद पहले मैं कल स्कूल का काम प्रिपेयर करूंगा, जो बच्चों को मैंने स्लाइड्स पढ़ानी है और वो सब कुछ। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करूंगा। हमजा ने मुझे गिफ्ट के तौर पे एक ट्रकर हैट दी है, प्रीटी नाइस, प्रीटी कूल। दैट्स अबाउट इट, सी यू ऑल वेरी सून।